Hello students, welcome to getlectures.com. Today I am going to start the very first chapter of engineering thermodynamics, and this chapter is the basic concept. In this chapter we will make a foundation for entire thermodynamics subject, aur ye chapter jo hoga apna har ek chapters ka basic point isme hum log dekhte jayenge. बेसिक फाउंडेशन तैयार करेंगे एंटायर चैप्टर्स के लिए. जैसे फर्स्ट चैप्टर हम जो बेसिक कंसेप्ट तैयार किया, देन आफ्टर हम बढ़ेंगे एनर्जी इंट्रैक्शंस में, तो उसमें भी फर्स्ट चैप्टर का यूज होगा. देन आफ्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, देन एबेबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी और एक्सर्जी, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, फिर थर्मोडायनेमिक रिलेशंस एंड मिक्सचर्स ऑफ गैसेज. लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट. दिस इज बेसिक कंसेप्ट. बेसिक कंसेप्ट में सिंपल जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में. स्टूडेंट सोचते हैं जब सेकेंड ईयर में होते हैं तो ये सब्जेक्ट आपको मिलता है और सोचते हैं कि दिस इज वेरी टफ सब्जेक्ट. मैंने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट कोई टफ नहीं होता है, बस आपकी सोच उसे टफ बनाती है और कुछ नहीं होता है. अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर वो सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल लगने लगता है. आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ी होंगी. व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज यूनिवर्स, व्हाट इज बाउंड्री, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे. और इस बेसिक कंसेप्ट चैप्टर में हम लोग हर एक टॉपिक को टच करने का प्रयास करेंगे. ओके, तो सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का अगर आप डेफिनेशन देखो तो ये दो वर्ड से मिलके बना है. एक वर्ड है आपका थर्मी प्लस डायनेमिक्स. थर्मी प्लस डायनेमिक्स, थर्मी मींस हीट. और जनरल कंसेप्ट में आप डायनेमिक्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देखोगे तो यहां पर डायनेमिक्स मींस पावर. इसका मतलब है एंटायर थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट में हम ये चीज देखने वाले हैं कि हाउ टू कन्वर्ट हीट इंटू पावर, हीट इंटू वर्क. आप ये भी कह सकते हैं हीट इंटू वर्क. मतलब जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हीट क्या है? आपकी लो ग्रेड एनर्जी है. लो ग्रेड एनर्जी. और वर्क क्या है आपकी? वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी. हाई ग्रेड एनर्जी. तो हमें यही चीज एंटायर थर्मोडायनेमिक्स में देखना है कि लो ग्रेड एनर्जी एंड हाई ग्रेड एनर्जी. एंटायर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यही चीजें देखेंगे कि हाउ वी कन्वर्ट द लो ग्रेड एनर्जी इन हाई ग्रेड एनर्जी मैक्सिमम. ओके, तो ये चीजें देखनी है. तो थर्मोडायनेमिक्स का अगर प्रिसाइज डेफिनेशन देखा जाए तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? तो थर्मोडायनेमिक्स का अगर एक डेफिनेशन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट, इट्स इफेक्ट्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी सिस्टम में एनर्जी का इंट्रैक्शन करवाते हैं, सिंपल सी बात है, एनर्जी ट्रांसफर की साइंस है टोटल. तो अगर किसी भी सिस्टम में एनर्जी का इंट्रैक्शन करवा रहे हैं तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, बिकॉज स्टेट ऑफ द सिस्टम आपका क्या होता है? चेंज होता है. ये सारी चीजें हम देखेंगे, वन बाई वन करके देखते जाएंगे कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है. पहले हम सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में भी चीजों को समझेंगे. और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप लोग इसे फील कर सकते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? अब देखो, सिंपल सी वर्ड, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आपके स्पेस में कोई भी स्पेस है, अगर आपकी एनालिसिस जिस एक पर्टिकुलर
पार्ट पे या पर्टिकुलर मास बोल लो या पर्टिकुलर थिंग बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लो, तो अगर उस पर जिस पर आपकी एनालिसिस फोकस्ड है डेट इज कॉल्ड आवर सिस्टम. अगर किसी भी चीज पर आप अपनी एनालिसिस को फोकस कर रहे हो इस स्पेस में डेट इज आवर सिस्टम. अगर आप सपोज कर लो आपकी एनालिसिस एक बुक पे है, बुक की एनालिसिस आप कर रहे हो, तो बुक इज आवर सिस्टम, बुक इज योर सिस्टम. और सिस्टम जिस पर आपकी एनालिसिस कंप्लीटली फोकस्ड है, इट मींस अगर आप सिस्टम को डिफाइन करना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अ रीजन इन स्पेस अपन विच अटेंशन इज फोकस्ड. और ये भी हम कह सकते हैं सिंपल, अपन विच द एनालिसिस आवर एनालिसिस इज फोकस्ड. ओके, तो जिस रीजन पे स्पेस में कोई सा भी एक आपने पर्टिकुलर रीजन ले लिया, उस पर जिस पर आपकी एनालिसिस फोकस्ड है दैट इज आवर सिस्टम. अब सिस्टम के बाद आता है व्हाट इज सराउंडिंग. अपार्ट फ्रॉम सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग. तो थर्ड डेफिनेशन आता है व्हाट इज सराउंडिंग. ये बेसिक चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं 11th क्लास में, बट यहां पर रिव्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं व्हाट इज सराउंडिंग. एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नोन एज surroundings. It's known as surroundings. Means everything apart from the system is called surrounding. अब बात आती है कि system और surrounding को अलग क्या करता है, तो यहां से word आता है boundary. The concept of boundary comes from here. Boundary. What is boundary? Boundary क्या होती है? The separation between system and surrounding surroundings is known as boundary. अब देखो, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री. मतलब कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है डेट इज कॉल्ड आवर बाउंड्री. अगर आप सपोज करो कि ये कोई सिस्टम है आपका, ये कोई रीजन है स्पेस में, दिस इज आवर सिस्टम, और इधर क्या है, अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग, एंड द रीजन जो इनको सेपरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड बाउंड्री, दिस इज बाउंड्री. अब यहां पर एनालिसिस आती है कि बाउंड्री मूवेबल भी हो सकती है, बाउंड्री फिक्स्ड भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है. तो जो चीजें जैसे आप लोग जब ओपन सिस्टम में पढ़ते हो तो एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, वहां पर इमेजिनरी बाउंड्रीज को इमेजिन हम करते हैं, तो उन सब चीजों को देखते हैं कि बाउंड्री कितने टाइप्स की हो सकती है. देखते हैं बाउंड्री के बारे में कितने टाइप्स की अपनी बाउंड्री हो सकती हैं. अब देखो, जैसे कोई एक कंटेनर लिया, दिस इज अ रिजिड कंटेनर. रिजिड कंटेनर मींस व्हाट, द वॉल्यूम आर फिक्स्ड. अगर मैंने इसे बोल दिया दिस इज अ रिजिड कंटेनर, रिजिड कंटेनर है, तो बाउंड्री क्या है, फिक्स है, इसकी बाउंड्री आपकी मूव नहीं हो सकती है, दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बाउंड्री, फिक्स्ड बाउंड्री, दिस इज फिक्स्ड बाउंड्री. अगर आप पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की जब बात करते हो, दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन. पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर जो चीजें हम देखते हैं, कुछ देर के बाद पिस्टन यहां पे भी मूव कर सकता है और कुछ देर के बाद वो इधर भी आ सकता है पिस्टन.
तो इसमें क्या हो रही है, बाउंड्री आपकी मूव कर रही है, बाउंड्री सिस्टम की जो बाउंड्री है, अगर आपने सिस्टम इसे माना द एंटायर पार्ट बिटवीन द सिस्टम बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर, तो ये जो अब पार्ट है दिस इज आवर सिस्टम, अगर इस पर अपनी एनालिसिस चल रही है तो सिस्टम की बाउंड्री क्या हो रही है, अगर पिस्टन मूव करके यहां आता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, यहां तक हो गया सिस्टम, अगर पिस्टन मूव करके यहां तक जाता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, ये हो जाता है, तो सिस्टम की बाउंड्री क्या हो रही है, मूव हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड द मूवेबल बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड मूवेबल बाउंड्री, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज मूवेबल। अब होती है रियल और इमेजिनरी बाउंड्री, ये भी हम कह सकते हैं कि कौन सी रियल है कौन सी इमेजिनरी है, तो आप यहां पर ये क्या कह सकते हैं, ये रिजिड कंटेनर है तो ये बाउंड्री आपकी क्या है, दिस बाउंड्री इज रियल बाउंड्री, तो आप फिक्स्ड बाउंड्री को, फिक्स्ड बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, लेकिन जो बाउंड्री आपको दिख रही है दिस इज द रियल रियल बाउंड्री। अगर आप देखो जब आप ओपन सिस्टम में एनालिसिस करते हो, ओपन सिस्टम में मान लिया कोई भी एक ले लिया, दिस इज टर्बाइन, टर्बाइन का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो टर्बाइन में इधर से इन हो रहा है और इधर से आउट हो रहा है, टर्बाइन बोलो डिफ्यूजर बोलो नोजल बोलो कुछ भी आप बोल सकते हो, इट्स अप टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया टर्बाइन, तो टर्बाइन में जो ये बाउंड्री है ये अगर आप कलर वाइज देखो तो ये जो रेड कलर की जो बाउंड्री है दिस इज फिक्स्ड बाउंड्री और रियल बाउंड्री। अब हमें कंट्रोल वॉल्यूम लेना होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमने डॉटेड लाइन से किया, देन राइट हैंड साइड में भी हमने क्या किया, दिस इज डॉटेड लाइन, एंड दिस डॉटेड लाइन हमने एक कंट्रोल वॉल्यूम लिया, जब आप ओपन सिस्टम में एनालाइज करते हो तो ओपन सिस्टम में हम कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं, तो दिस आर द इमेजिनरी बाउंड्री, ये दोनों आपकी क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री है, और ये कैसी बाउंड्री है, दिस आर रियल बाउंड्री, ओके, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, डेफिनेशन देखा, सिस्टम देखा, सराउंडिंग देखा, बाउंड्री देखा, अब हम आते हैं सिस्टम में ही कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम, जब मैं आपके सामने बोल रहा हूं क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम, तो ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओके, नेक्स्ट वन इज आवर टाइप्स ऑफ सिस्टम, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, फर्स्ट वन इज क्लोज्ड सिस्टम, सेकेंड वन इज ओपन सिस्टम एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। समझने का प्रयास करना, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होती है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होती है, सिंपल सी बात है, क्लोज सिस्टम अगर आप लेके चल रहे हो तो क्लोज सिस्टम में मास क्या है, एंटायर सिस्टम का मास क्या है, कॉन्स्टेंट होता है, क्लोज सिस्टम में कोई मास का इंट्रैक्शन नहीं होता है, अगर आप किसी एग्जांपल पे जाते हो, सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे बोलूं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व, अगर वाल्व नहीं होगा तो कोई मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा, मास इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल्स इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो एंटायर सिस्टम में आपकी बाउंड्री मूव कर सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है सिस्टम का, बस सिस्टम के अंदर में जो मास है, मास कंटेन बाय द सिस्टम विल नेवर चेंज, बिकॉज देयर इज नो इंट्रैक्शन ऑफ मास इन क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में केवल आप हीट और वर्क का इंट्रैक्शन करा सकते हो, इट मीन्स हीट एंड वर्क आर एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो आप एनर्जी का इंट्रैक्शन करा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क, तो क्लोज सिस्टम में आप क्या कहते हो, मास ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, क्लोज सिस्टम का मास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, उसमें आप क्या करा सकते हो, एनर्जी का इंट्रैक्शन करा सकते हो, मतलब कि एनर्जी का ट्रांसफर किसके किसके बीच में, सबसे बड़ी बात है कि जो मास ट्रांसफर हो रहा है और जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम में वो किसके किसके बीच हो रही है, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग से कोई मास आ रहा है, बिकॉज सराउंडिंग हमने क्या बोला है, सराउंडिंग इज एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम
is called surrounding. तो system जिस पर आप analysis आपने focus किया है, तो वो अगर closed system है, तो closed system में कोई भी mass का interaction नहीं होगा. केवल किसकी interaction होगी? केवल क्या transfer होगा? मतलब interaction between system and surrounding क्या होगा? केवल energy का interaction होता है. अगर आप example में जाओ, तो simple example क्या ले सकते हो? Piston, cylinder, arrangement. Piston cylinder without valve. अगर यही with valve हो जाता, अगर आप जो इंजन्स को देखते हो उसमें वाल्व लगे होते हैं, फ्यूल का भी इंट्रैक्शन होता है, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ ऑयल आता है, तो मास का भी इंट्रैक्शन हो रहा है. किसमें? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का भी इंट्रैक्शन हो रहा है और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क. तो उसे आप कहते हैं ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम में आपका मास का भी इंट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी का भी इंट्रैक्शन हो रहा है. अगर सिंपल एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं, प्रेशर कुकर. प्रेशर कुकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम. सिंपल सी बात है, प्रेशर कुकर के ऊपर सीटी लगी होती है, तो जब सीटी, जब प्रेशर इंक्रीज होता है इनसाइड द प्रेशर कुकर, द प्रेशर विल इंक्रीज, देन द हॉर्न ऑफ द प्रेशर कुकर राइज अबव एंड द मास इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मास इन द फॉर्म ऑफ वेपर इंट्रैक्ट विद सराउंडिंग. तो जो मास वेपर के फॉर्म में निकलता है वो सराउंडिंग में आता है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का भी इंट्रैक्शन हो रहा है और एनर्जी का तो इंट्रैक्शन हो ही रहा है. अगर प्रेशर कुकर को आप हीट पे, गैस स्टोव पे अगर आपने रखा है, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट द एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम. तो एग्जाम्पल में आप इसमें सिंपल कह सकते हो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व और प्रेशर कुकर. सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व और एग्जाम्पल में प्रेशर कुकर. आप कह सकते हो टर्बाइन, टर्बाइन पंप कंप्रेसर. तो इनमें भी क्या हो रहा है? टर्बाइन पंप कंप्रेसर, ये भी क्या है? आपके ओपन सिस्टम है, मास का भी इंट्रैक्शन हो रहा है, एनर्जी का भी इंट्रैक्शन हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. अगर आप टर्बाइन का एग्जांपल लेते हो, फॉर एग्जांपल टर्बाइन, अगर आपने टर्बाइन लिया, तो टर्बाइन पे क्या होता है? मास आती है इन द फॉर्म ऑफ वॉटर, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, इन द फॉर्म ऑफ गैसेज. तो मास का इंट्रैक्शन हो रहा है उस पर. और फिर अगर टर्बाइन आपका सिस्टम है, टर्बाइन को आपने सिस्टम माना है, दैट इज ओपन सिस्टम, तो टर्बाइन रोटेट करेगी, देन पावर डेवलप होगा. तो पावर डेवलप हो रहा है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में पावर जा रहा है इन फॉर्म ऑफ वर्क, वर्क के फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है. तो आप सिंपल क्या कह सकते हो? टर्बाइन आपका सिंपल एग्जांपल किसका है? ओपन सिस्टम का. वैसे ही पंप, पंप में क्या होता है? आप इनपुट देते हो, पावर इनपुट दिया, फिर वो आपका मास का इंट्रैक्शन होता है इन फॉर्म ऑफ वाटर. पंप क्या करता है? वाटर को लिफ्ट करता है अबव तक. तो आपका पंप हो गया, टर्बाइन हो गया, कंप्रेसर हो गया, ये सब आपके किसके एग्जांपल हो गए? प्रेशर कुकर, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व, ये आपके हो गए ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स. आइसोलेटेड सिस्टम, थर्ड वन क्या आता है? आइसोलेटेड. एक बार क्या हुआ? एक बार मास का ट्रांसफर हुआ, मास का नहीं हुआ, एनर्जी का हुआ, देन दोनों का हुआ. अब इस कंडीशन में दोनों का इंट्रैक्शन नहीं होता है, दोनों का इंट्रैक्शन नहीं होता है, ना ही इन द फॉर्म ऑफ मास एंड either in the neither in the form of mass and nor in the form of energy. किसी भी चीज का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप लोग थर्मस यूज करते हो, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस यूज करते हो, जिसके अंदर हॉट कॉफी होती है या कोल्ड वाटर आप रखते हो, जो कुछ भी आपने रखा है. तो क्या वो हॉट कॉफी या कोल्ड वाटर आपका, हॉट कॉफी क्या कोल्ड हो जाती है उसके अंदर रहने से? क्या कोल्ड वाटर हॉट हो जाता है? नहीं. अगर आप एक कप चाय, सिंपल सी बात है, आपने एक कप हॉट टी लिया और उसे टेबल पे रखा, सिस्टम आपका वन कप ऑफ टी आपकी सिस्टम हो गई और सराउंडिंग, अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम एवरीथिंग इज सराउंडिंग. तो आप देखते हो कि धीरे 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 करके हीट का ट्रांसफर होने से क्या हो जाता है? आपका चाय ठंडा हो जाता है. तो आप वो कह सकते हो दैट इज योर क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम एक तरह से इसलिए बोल रहा हूं कि केवल हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है,
मास का इंट्रैक्शन सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं हो रहा है, आप उसमें थोड़ी जो पानी मिला रहे हो और दूध मिला रहे हो, ठीक है, तो मास का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर अगर आप देखो तो आइसोलेटेड सिस्टम में परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस जो होते हैं आपके, उसमें आपने अगर हॉट कॉफी रखा है, सिंपल सी बात है, तो वो हॉट ही रहती है और ना ही हीट का ट्रांसफर होता है, मतलब ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होता है और ना ही मास का ट्रांसफर होता है, किसके किसके बीच, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो आप एग्जाम्पल में कह सकते हो परफेक्टली परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस कंटेनिंग हॉट कॉफी, कंटेनिंग कोल्ड वाटर, आप कह सकते हो। और एक मेजर एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम का, अगर मैं एग्जाम्पल में बोलूं यूनिवर्स, यूनिवर्स किस टाइप का सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है कि ओपन सिस्टम है कि आइसोलेटेड सिस्टम है, आपने एंटायर यूनिवर्स को सिस्टम माना है, तो यूनिवर्स के बाद कोई सराउंडिंग है नहीं, मतलब कि यूनिवर्स से बाहर कुछ होता नहीं है, तो ना ही यूनिवर्स का उसके सराउंडिंग के साथ मास का ट्रांसफर है और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर है, तो यूनिवर्स आपका कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम को समझना और एग्जाम्पल के थ्रू समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिज आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, एंड दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, थैंक यू।